कल यानी 6 सितंबर 2023 को टीवीएस ने अपनी अपाचे सीरीज की सबसे पावरफुल और एक्सपेंसिव बाइक अपाचे आरटीआर 310 को रिवील किया। टीवीएस ने इस बाइक को अपने और बीएमडब्ल्यू के जॉइंट वेंचर में डिजाइन किया है, विच मींस कि इस बाइक में भी सेम उसी इंजन का यूज किया गया है जो कि टीवीएस और बीएमडब्ल्यू अपनी बाकी 310 सीसी की बाइक्स में यूज करते हैं, और वो है 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि 35 BHP की पावर और 28 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस बाइक को एक प्रॉपर ट्रैक मशीन की तरह डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से इस बाइक में काफी सारे ट्रैक ओरिएंटेड फीचर्स हैं, जैसे कि कॉर्नरिंग, ABS कॉर्नरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल कॉर्नरिंग, क्रूज कंट्रोल और हिल असिस्ट। लेकिन इसके अलावा भी इस बाइक में दो ऐसे फीचर्स हैं जो कि केवल सुपर बाइक्स में ही देखने को मिलते हैं, वो है व्हीली कंट्रोल और स्टॉपी कंट्रोल। और इन दोनों ही फीचर्स की वजह से आपकी बाइक कभी भी एक्सीडेंटली व्हीली या फिर स्टॉपी नहीं कर सकती, भले ही आप कितने भी बड़े हैवी ड्राइवर क्यों ना हो। इस बाइक के इंजन को भले ही बाकी बाइक से शेयर किया जाता हो, लेकिन इस बाइक की डिजाइन को इस सेगमेंट की कोई भी बाइक बीट नहीं कर सकती। टीवीएस ने इस बाइक की डिजाइन को स्ट्रीट फाइटर स्टाइलिंग नाम दिया है, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर हम इस बाइक के ओवरऑल डिजाइन को देखें तो ये बाइक बिल्कुल एक डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 जैसी दिखती है, और इस बात को टीवीएस ने ऑफिशियली एक्सेप्ट भी किया है। इस बाइक की लाइटिंग में हमें LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि इस बाइक को काफी एग्रेसिव लुक देते हैं। टीवीएस ने इस बाइक में फुली डिजिटल TFT डिस्प्ले का यूज किया है, जिसमें हमें रियल टाइम माइलेज, राइडिंग मोड्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे यूजफुल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये बाइक एक प्रॉपर ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, जिसकी वजह से इस बाइक का वेट केवल 169 केजीज का है, और इस बाइक की हैंडलिंग को और इम्प्रूव करने के लिए टीवीएस ने इस बाइक में मिशलिन के टायर्स का यूज किया है, जिसमें फ्रंट में 110 सेक्शन और रियर में 150 सेक्शन के टायर का यूज किया गया है, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग करते समय राइडर को एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है। बाकी अगर बात करें इस बाइक के माइलेज की तो कंपनी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी 30 km/h तक का माइलेज निकाल कर दे सकती है, लेकिन इस बाइक का एक्चुअल माइलेज क्या है वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। टीवीएस ने इस बाइक को 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। पहला है फ्लोरा येलो, जिसकी कीमत 2,64,000 रुपए है। दूसरा है ऑर्सनल ब्लैक, जिसकी कीमत 2,58,000 रुपए है। और तीसरा है इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट, जो कि इसका बेस वेरिएंट है, और इसकी कीमत है 2,42,000 रुपए। और ये तीनों ही इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग है, ऑन रोड प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये तीनों ही वेरिएंट्स पसंद नहीं आते हैं तो टीवीएस ने इस बाइक में बिल्ड टू ऑर्डर का भी ऑप्शन दिया है, जिससे आप अपनी बाइक को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी।